नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरी। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। हजारों रुपए का खाना खाने और 5 स्टार होटल को चमका देने के मामले में मुंबई पुलिस ने बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बाप बेटे की जोड़ी होटल में जाकर अपने आप को कॉर्पोरेटर हाउस का कर्मचारी बताते थे या फिर बिजनेसमैन बोलते थे। ये दोनों पहले ही अपने नाम की बुकिंग और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस के लिए भी कहते थे। जब होटल के रिसेप्शन तक पहुँच जाते और बाकी बारी चेक इन की आती तो ये ड्रामा करके अपने आप को थका हुआ बताकर रूम में जाने से पहले ही होटल के रेस्टोरेंट में पेट भर कर खाना खा लेते थे। उसके बाद जब बिल पे करने की बारी आती तो इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी चुपचाप वहां से खिसक लेती थी। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ताज ग्रुप के होटल विवांत प्रेसिडेंट के स्टाफ ने समय रहते पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास बिल के पैसे नहीं थे। जब विवांत प्रेसिडेंट ने इन्हें खाने वाले बिल के पैसे देने को कहा तब ये लोग वहां से भागने लगे, इसीलिए बाद में यहां पुलिस ने इन्हें रोक लिया। जब ताज होटल ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो इन्हें कफ परेड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी शिकायत ताजमहल पैलेस होटल की ओर की गई। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों का नाम सुहास नारेलकर, जिसकी उम्र 57 साल बताई जा रही है, और स्पिलिल, जिसकी उम्र 32 साल है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।